पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोदड़ी एक ऐसा गांव है जहां ग्राम पंचायत में विगत 5 वर्षों से झंडा वंदन ही नहीं किया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है ग्राम लोदड़ी के ग्रामीणों का। इसे पंचायत सचिव की लापरवाही कहें या फिर अधिकारियों की ठर्राशाही, ना तो किसी का ध्यान गया ना ही कहीं कोई कार्रवाई की गई। शनिवार को देश भर में आजादी के 74वीं सालगिरह का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह तिरंगा पूरे सम्मान के साथ फहराया गया, लेकिन आज सिवनी मालवा के लोदड़ी में यह उत्साह और उल्लास नजर नहीं आया। यहाँ के ग्राम पंचायत में तिरंगा फहराया ही नहीं गया। ग्रामीणों की सूचना पर जब हम ग्राम लोदड़ी पहुंचे तो देखा कि पंचायत भवन में ताला लटका हुआ था। वहीं सभी ग्रामीण पंचायत भवन के सामने बैठे हुए थे। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पंचायत भवन में पिछले 5 वर्षों से ध्वजारोहण किया ही नहीं गया। देखिए, झंडा वंदन सुबह का टाइम हुआ है, लेकिन अब ये जानकारी नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ की स्थिति जगह देख के आपको अनुमान लगेगा, ना साफ सफाई है ना कुछ है। तो झंडा वंदन जहाँ होता है वहाँ की साफ सफाई अलग रहती है, वहाँ ऐसा लग नहीं रहा है कि साफ सफाई हुई है। इतने सालों से आप गांव में निवास कर रहे हैं, क्या यही परंपरा है यहाँ पर, यहाँ झंडा वंदन नहीं होता? नहीं, हर जगह होता है, स्कूल में होता है, हमारे स्वास्थ्य केंद्र में इस बार हुआ है, हर जगह होता है। पंचायत भवन में तो अभी इस बार तो जानकारी नहीं है कि हुआ कि नहीं। ग्रामीणों के द्वारा कई बार बोला गया, पर ग्राम सरपंच और सचिव द्वारा बोल दिया जाता है कि शासकीय स्कूल में झंडा वंदन कर दिया गया है, जबकि जिला कलेक्टर के आदेश हैं कि सभी शासकीय कार्यालय में कार्यालय के प्रमुख द्वार पर ध्वजारोहण किया जाएगा, परंतु यहां के अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर के आदेश से कोई सरोकार नहीं है। क्या परंपरा है यहां झंडा? पता नहीं, ये मेरे को मेरी कर पाए नहीं, देख पाया कि हुआ या नहीं हुआ, मगर आज ऐसा लगता है झंडा वंदन तो हमेशा रहना चाहिए, कम से कम 12-24 घंटे तो रहना चाहिए जी। सही सलामत जी, स्थिति देखकर क्या लग रहा है आपको? नहीं हुआ ऐसा लग रहा। आप इतने सालों से गांव में रह रहे हैं, इसकी ये परंपरा रही है क्या यहाँ पर? नहीं होना चाहिए, सरकारी इमारतों पे सब भी लगना चाहिए, झंडा वंदन होना चाहिए। मानते हैं कि होना चाहिए। अब देखना है कि मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है अथवा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाढ़ न्यूज, सिवनी मालवा।